उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद जनपद के मुंडा पांडा थाना क्षेत्र स्थित हवाई पट्टी एयरपोर्ट पर रात्रि के उस समय हड़कंप मच गया था, जब अज्ञात चोरों ने यात्री कक्ष में शीशे तोड़कर एक्सप्रेस मशीन तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया था। बताया जा रहा है एयरपोर्ट पर ड्यूटी कर रहे पुलिस गार्ड ने चोरों को ललकारते हुए यात्री कक्ष में रखी एक्सप्रेस मशीन चोरी करने का विरोध किया तो अज्ञात चोरों ने गार्ड को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके चलते ड्यूटी कर रहे पुलिस गार्ड ने लाइसेंसी सरकारी बंदूक से फायरिंग की, जिसमें अज्ञात चोरों ने फायरिंग की आवाज सुनते ही चोर मशीन छोड़कर अपनी जान बचाते हुए दीवार लांघकर भाग निकले, जिसके बाद निर्माणाधीन संस्था राज्य के निर्माण निगम अधिकारियों ने नागरिक उड़ान विभाग को पूरे मामले की जानकारी दी, जिसमें नागरिक विभाग निगम अधिकारियों ने मुरादाबाद वरिष्ठ अधिकारियों से चोरी के बारे में पूरे मामले को अवगत कराया। इसमें मुरादाबाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्माणाधीन एयरपोर्ट पर इस घटना के बाद एयरपोर्ट पर पुलिस कर्मियों की ओर तैनाती की बात कही गई है। 11/12 की बात है शायद, तो हमारा संतरी था इधर राउंड ले रहा था, बहुत बड़ा एरिया है, तो जैसे ही उसे टार्च वार्च की एहसास हुआ कि टार्च लग रही है, तो वो समझ रहा था दूसरे संतरी की टार्च है, वो जैसे ही गया, अब बताते हैं हम तो मौजूद नहीं थे कि वो 4-5 लोग थे या 5, ये तो नहीं देख पाए हो। वो देखने के बाद में वो भगदड़ मच गई थी, प्रयास कर रहे थे वैसे चोरी का, चोरी हो नहीं पाएगा। अच्छा, कैसी व्यवस्था है यहाँ पर जो चोर को समझ? व्यवस्था क्या, वो बाउंड्री लाइन है, उधर लंबा चौड़ा एरिया है, लगभग 10 किलोमीटर का एरिया तो है ही है चारों तरफ से, तो उधर तार नहीं थे। अच्छा। तार बंदी नहीं हो, बाउंड्री की तरफ पेड़ हैं बिल्कुल बाउंड्री से सटे हुए, वो पेड़ों से चढ़े और दीवार पे नीचे फांदे। अच्छा, कुछ तोड़ फोड़ भी होने उन्होंने किया बता? नहीं, तोड़ फोड़ कुछ नहीं, तोड़ फोड़ कुछ नहीं, नहीं नहीं शीशा वीशा कुछ नहीं टूटा। अच्छा, यहाँ चोरी करने से किस इरादे से घुसे थे, कौन कौन सा सामान यहाँ एयरपोर्ट के अंदर रखा हुआ था? अब इतनी जानकारी तो हमें नहीं है कि मशीनरी क्या क्या है, ये वो मशीन नहीं है जो एयरपोर्ट पे मतलब सामान वगैरह चेक करती है, एक्सरे मशीन भी समझो ना जो। अच्छा, कितनी पुलिस कर्मियों की ड्यूटी थी रात के समय जब चोरी होने का प्रयास? पुलिसकर्मी एक हेड कॉन्स्टेबल थे, 4 कॉन्स्टेबल थे। अच्छा, अब किस तरीके की व्यवस्था बढ़ा दी गई है मुरादाबाद प्रशासन की तरफ से? यहाँ प्रशासन की तरफ से रात में भी है एसओ साहब आते हैं, राउंड लगाते हैं, और पीआरवी भी आती है, और हम लोग भी रात में सभी गश्त करते हैं पूरी रात।